को जोड़ते हैं हमारे साथ विजय ठाकरे हैं महाराष्ट्र से। विजय जी नमस्कार, महाराष्ट्र में कहां से बात कर रहे हैं पहले तो ये बताइए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। सर मैं महाराष्ट्र से विदर्भ से बात कर रहा हूँ, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट वनी तहसील से। जी जी बताएं अपना सवाल बताएं। सर आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। आपको भी। मेरा कोल इंडिया 190 पे खरीदी है, 100 से है, तो अभी होल्ड करे या क्या करे? ठीक है, पहले तो आपको बधाई क्योंकि आपने बहुत अच्छे लेवल पे कोल इंडिया में एंट्री ली है। 190 के लेवल पे आपने एंट्री ली है और इस वक्त या फिर री एंट्री और मतलब एवरेज। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए अविनाश जी बताएं कोल इंडिया में क्या नजरिया आपका बन रहा है 190 की खरीदेंगे? इनफैक्ट इनको यहाँ पे पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। देखिए कोल इंडिया ने बहुत ही अच्छे नंबर्स क्वार्टर टू के लिए डिक्लेयर किए, प्रोडक्शन वॉल्यूम भी काफी अच्छी तरह से बढ़ा है। मेरे ख्याल से जिस प्रकार से पावर जनरेशन की डिमांड बढ़ रही है और कोल की खपत हो रही है, कोल इंडिया जो कंट्री की एक मोनोपोली बिजनेस चलाता है, काफी अच्छे नंबर्स आने वाले 6 to 12 मंथ्स में आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे भी मैं समझता हूँ इनको होल्ड करना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ से भी करीबन 375-390 का एक प्राइस टारगेट इनको मिलेगा, तो यहाँ पे पोजिशन होल्ड करें। तो कोल इंडिया होल्ड करने की सलाह यहाँ से अविनाश जी की राय आ रही है। चलिए अगले